इस नालायक विपक्ष ने उनको भड़काया है तब ये यहां पर बैठे हुए हैं। मतलब इतना नालायक विपक्ष आपने कहीं देखा नहीं होगा। आज देखिए हमारी हिंदुस्तान की क्रिकेट की टीम 36 रन पे आउट हो गई, कभी सुना आपने? पहली बार ऐसा हो रहा है। क्यों? इन विपक्षियों ने भड़काया। वरना जब विपक्षी लोग नहीं भड़काते थे तब देखिए वो दौर में युवराज सिंह एक ओवर में 36 रन बना देता था। लेकिन ये जो भ्रम फैला हुआ है, मैं तो अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से कहूंगा कि एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके समझाना चाहिए हॉकी टीम को। हॉकी टीम को क्यों? अरे भाई वो मोदी जी हैं। अभी देखिए आंदोलन पंजाब के किसान कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मध्य प्रदेश के किसानों के साथ किया। हाँ, तो ऐसे हॉकी टीम को समझाएंगे और मैसेज क्रिकेट टीम तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये नालायक विपक्ष इसका क्या करें? आपको पता है कि पिछले 15 दिनों में गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए बढ़ गए। कितने? 100 रुपए। कैसे बढ़ गए? इन विपक्षियों ने भड़का भड़का के 100 रुपए बढ़वाए हैं। हमारी स्मृति ईरानी जी कंधे पे सिलेंडर लेकर के विरोध प्रदर्शन धरना करने ही जा रही थी कि इतने में विपक्ष ने भड़का दिया, बेचारी चुप बैठ गई। एक टाइम याद है आपको कि जब 10-20 रुपए भी सिलेंडर में बढ़ जाता था तो कैसे स्मृति ईरानी जी कंधे में सिलेंडर लाद करके तुरंत पहुंच जाती थी धरना प्रदर्शन करने। तब विपक्ष भड़काने वाला नहीं था। यह विपक्ष कितना नालायक है। आपको पता है लाला रामदेव, बाबा रामदेव, उन्होंने क्या कहा था कि जब तक इस देश में काला धन नहीं आ जाएगा तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन विपक्ष ने भड़का दिया बाबा रामदेव को, अब बेचारे चुप बैठ गए। कितना नालायक विपक्ष है ये, पूरे देश को भड़काने में लगा हुआ है। ये विजय माल्या, ये नीरो